जय हिंद दोस्तों, आज दो नोटिफिकेशन जारी हुए हैं जॉब से संबंधित। एक एनडीए का है, एनडीए में सिविल डिफेंस स्टाफ की वैकेंसी है जिसमें कि भूतपूर्व सैनिक की वैकेंसी है। इसके बारे में नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। एक्स सर्विसमैन के लिए कितना कोटा है पूरी जानकारी इसमें देंगे। दूसरी वैकेंसी निकली हुई है आसाम के लिए, आसाम में वैकेंसी है, पुलिस रिक्रूटमेंट है। इसके बाद कई तरह की पोस्ट है, पहले तो आसाम की बताते हैं, इसके बाद पुणे एनडीए की बताएंगे। सबसे पहले आसाम की बता देते हैं। आसाम में जो पोस्ट निकली हुई है 264 पोस्ट निकली है फॉरेस्टर ग्रेड वन की। इसके बाद 1226 1226 पोस्ट फॉरेस्ट गार्ड की है। और इसके बाद 981 पोस्ट है एएफपीपी कांस्टेबल। इसके बाद आसाम पुलिस कांस्टेबल की है। इसके बाद 36 पोस्ट है ड्राइवर कांस्टेबल की। इसके बाद 142 पोस्ट है ड्राइवर की। इसके लिए आपको पे लेवल 14,000 से 60,500 रुपये मिलेगा, पे बैंड सेकेंड का। इसमें बता दें फिजिकल टेस्ट भी होगा आपका और रिटन टेस्ट होगा, तो दोनों टेस्ट आपके होंगे, दोनों में पास होना कंपलसरी है। इसमें बता दें जो फॉर्म भरे जाएंगे 23 जनवरी 2022 23 और 6 फरवरी 2023 तक फॉर्म भरे जा सकते हैं, यानी कि 6 फरवरी तक आप फॉर्म भर सकते हैं। किसी तरह की कोई फीस नहीं लगेगी किसी भी कैटेगरी को। अभी इसमें मैं बता दूं कि जो फॉरेस्टर ग्रेड वन की वैकेंसी है, इसमें जो ग्रेड मिलेगा ग्रेड पे वो 6,400 ग्रेड पे है और इसमें 264 वैकेंसी है। इसको डिवाइड किया है, आसाम के एक्स सर्विसमैन के लिए 2% कोटा है, तो इसमें जिस कैटेगरी के एक्स सर्विसमैन है उसमें उनको कोटा मिलेगा। बता दें 264 वैकेंसी को डिवाइड किया गया है अनरिजर्व ओबीसी एससी एसटी, तो ये वैकेंसी है, आप इसमें देख सकते हैं। इसके बाद दूसरी देख लेते हैं, जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन, इसमें बैचलर डिग्री मांगी गई है किसी भी बोर्ड और यूनिवर्सिटी से। इसमें सेना की ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट अभी बात कर लेते हैं फॉरेस्टर ग्रेड, फॉरेस्ट गार्ड जो है उसकी वैकेंसी है। इसमें पे लेवल जो ग्रेड पे मिलेगा 5,600 मिलेगा और वैकेंसी है 1,226। इसमें जो वैकेंसी भी डिवाइड की गई है एज पर कैटेगरी, तो आप देख सकते हैं 1,226 वैकेंसियां हैं। 12th पास इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है, तो 12th पास सभी अप्लाई कर सकते हैं। एएफपीपीएफ कांस्टेबल की जो वैकेंसी है 5,600 ग्रेड पे रहेगा, 981 वैकेंसी है और इसको भी पोस्ट वाइज अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। इसमें भी 10th पास चाहिए, जो भी 10th पास है इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद ड्राइवर कांस्टेबल की 56 ग्रेड पे वैकेंसी है, 36 वैकेंसी है और ड्राइवर के लिए भी आप देख सकते हैं काफी वैकेंसी। इसमें 10th पास ड्राइवर ट्रेड्स के लिए 10th पास और ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है। इसके बाद ड्राइवर की जो वैकेंसी है 142 142 वैकेंसी है, इसमें भी 10th पास होना जरूरी है और ड्राइविंग लाइसेंस लाइट मोटर व्हीकल का, मीडियम या हाई मोटर व्हीकल किसी भी तरह का आपको ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है। ये इसमें जो अप्लाई करेंगे वो आसाम के होना जरूरी है, आसाम के डोमिसाइल सर्टिफिकेट है तभी आपको रिजर्वेशन मिलेगा। इसके बाद एज की बात कर लें तो एज 18 से 40 साल फॉरेस्टर ग्रेड वन और फॉरेस्ट गार्ड ड्राइवर के लिए है। बाकी के लिए जो दूसरी पोस्ट है कांस्टेबल के लिए और ड्राइवर के लिए जो पोस्ट है उसके लिए 18 से 25 साल है। एज रिलैक्सेशन एज पर आसाम गवर्नमेंट मिलेगा, एक्स सर्विसमैन को भी एज रिलैक्सेशन मिलेगा, एससी एसटी को मिलेगा, ओबीसी को एज रिलैक्सेशन मिलेगा। फिजिकल स्टैंडर्ड में आपका बता दें कि हाइट जो मेल की होगी 163 सेंटीमीटर होनी चाहिए, फीमेल की 150 सेंटीमीटर और इसके बाद चेस्ट 79 सेंटीमीटर, इसके बाद फीमेल का 84 सेंटीमीटर। इस तरह से आपको इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कैसे अप्लाई करेंगे उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेडिकल में आई 6x6 या 6x9 होनी चाहिए। अप्लाई करने का लिंक और नोटिफिकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी हम बात कर लेते हैं दूसरी पोस्ट का, जो एनडीए की वैकेंसी निकली हुई है। इसमें बता दें भूतपूर्व सैनिकों के लिए वैकेंसी है, लोअर डिवीजन क्लर्क की वैकेंसी है जिसमें कि 27 पोस्ट में 4 पोस्ट एक्स सर्विसमैन के लिए है
और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी जो है वो दो वैकेंसी हैं, इसमें भी एक्स सर्विसमैन जो कैटेगरी पर्सन है अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद पेंटर की एक वैकेंसी है, ड्राफ्ट्समैन की एक वैकेंसी है, इसके बाद सिविल सिविलियन मोटर ड्राइवर ओजी की 8 वैकेंसी जिसमें भूतपूर्व सैनिक का एक पोस्ट है। इसके बाद प्रिंटर की वैकेंसी है, सिनेमा प्रोजेक्टेशन की वैकेंसी है 1 वैकेंसी, कुक की 12 वैकेंसी में 1 वैकेंसी एक्स सर्विसमैन की है। इसके बाद फायरमैन की 10 वैकेंसी में 1 वैकेंसी एक्स सर्विसमैन की है। और इसके बाद बाकी वैकेंसियां भी हैं, लेकिन इसमें मल्टीटास्किंग स्टाफ की जो पोस्ट है इसमें एक्स सर्विसमैन के लिए 18 वैकेंसियां हैं 182 में। 8 वैकेंसी जो डिसेबल एक्स सर्विसमैन है या डिसेबल पर्सन है उनके लिए है। टोटल बात कर ले 25 वैकेंसी जनरल एक्स सर्विसमैन के लिए है 251 में। इसके लिए सभी के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन निर्धारित की गई है। एस सी एस टी ओबीसी इनको एज रिलैक्सेशन है, एस सी एस टी को 5 साल, ओबीसी को 3 साल, और एक्स सर्विसमैन को एज पर अप्लीकेबल जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट अप्लीकेबल करती है, यानी कि एज रिलैक्सेशन डिडक्शन ऑफ मिलिट्री सर्विस इन एक्चुअल एज +3 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन है। ऑनलाइन फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन फॉर्म ही भरा जाएगा, 21 दिन के अंदर अंदर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। अभी मैं बात कर लूं कि इसमें जो वैकेंसी के लिए कॉल लेटर आएंगे, आपको 10 जो वैकेंसी है उसके 10 गुना कॉल लेटर दिए जाएंगे, 10 गुना लोग बुलाए जाएंगे। अप्लीकेशन ऑनलाइन भरा जाएगा जिसका लिंक मैं डिस्कशन में दे दूंगा, नोटिफिकेशन का लिंक डिस्कशन में मिल जाएगा, सारे लिंक आपको डिस्कशन मिल जाएंगे, उसके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करके रखें जिससे कि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू, जय हिंद।